हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको ये फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए पहले मैंने ये मैजिक रिंग बनाया है। अब एक चेन बना लेंगे। दो, तीन, हमने तीन चेन बना ली हैं। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब तीन चेन बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया में हमें ये दो फंदे ऐसे ही रखने हैं, दो का एक नहीं बनाना है। दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब तीन का एक फंदा बनाएंगे हम। अब तीन चेन बनाएंगे। हम ऐसे ही फिर बनाएंगे। अब तीन का एक बनाएंगे। अब फिर तीन चेन बनाएंगे। ऐसे हम टोटल सिक्स बना लेंगे। इसको हम फंदे को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब तीन चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच से यहाँ इसको बंद कर देंगे। यहाँ टोटल सिक्स हो गए हैं। अब हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर थ्री चेन बनाएंगे और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम थ्री डबल क्रोशिया बनाने के बाद थ्री चेन बनाएंगे। और फिर इसको यहाँ पे डाल के इसको बंद कर देंगे। ऐसे ही हर होल में हम ऐसे ही बनाएंगे। तीन चेन, फिर तीन डबल क्रोशिए, फिर से तीन चेन और इसको स्लिप स्टिच से यहाँ बंद कर देंगे। फिर हम अगले होल में डालेंगे। पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से तीन चेन बनाएंगे, इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। ऐसे करते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे।
ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम पीछे से क्रोशिया लाते हुए ऐसे करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। अब हम 5 चेन बनाएंगे। ये हमारी 5 चेन बन चुकी है। अब ऐसे ही पीछे से क्रोशिया लाते हुए इसमें से ऐसे घुमा के लेके जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे। ऐसे 5 चेन और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब 5 चेन बनाएंगे और ये रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे, यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। अब हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और 4 चेन बनाएंगे। अब हम और ऐसे 2 बार धागे को लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर। अब हम ये क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इसको 5 बार बनाएंगे। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे। और यहाँ स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। अब हम 2nd चेन में डालेंगे। ऐसे ही इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे, 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 4 चेन बनाएंगे। इस रो को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन में हम ऐसे बनाएंगे जो ये हमने 5 5 चेन बनाई है।
ये हमने फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। अब हम पिंक कलर से इसके बीच का हिस्सा बनाएंगे। अगर आप इस पे मोती लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, अगर ऊन से बनाकर लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। हमने मैजिक रिंग बना लिया है। अब हम थ्री चेन बनाएंगे। अब हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर। इसको थोड़ा टाइट हाथों से बनाएं। और बीच वाले धागे को अच्छे से खींच लें और खींच के इसको पीछे के पीछे बंद कर दें। अब हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसको यहाँ पे बंद कर दिया है। इस धागे को थोड़ा लंबा करेंगे क्योंकि सुई की सहायता से हम इसको फूल पे अटैच करेंगे तो हमें और धागा जोड़ना नहीं पड़ेगा, इसी से अटैच हो जाएगा। इस पे ऐसे लग जाएगा ये। अगर आप इसकी जगह मोती लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसको ऐसे सुई से यहाँ पे लगा दें। ये हमारा फ्लावर तैयार हो चुका है। इसको जो बीच वाला धागा है इसको अच्छे से खींच के बंद करना है और सुई से इसको ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये मैंने सुई की मदद से इस पे लगा दिया है। ये धागा थोड़ा बड़ा ही रखें ताकि हमें और धागा जोड़ना ना पड़े। ये फ्लावर मैंने पोंचो के लिए बनाया है तो मैं उस पे ये अटैच करूँगी। यहाँ से सुई ले जाते हुए इसको ऐसे जोड़ लें। बीच में इसको ऐसे रहने दे, अच्छी लगेगी ऐसे लगी हुई। मैं इस फ्लावर को इस पोंचो पे लगाऊंगी। ओके, थैंक यू।